भोपाल की होटल ताज में कंसल्टिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अर्बन मोबाइलिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विषय पर सेमिनार आयोजित किया। सेमिनार में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक महाशक्ति बन गया है। देश को आगे बढ़ाने में सभी वर्गों का योगदान है। उन्होंने कहा, हम सब मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए विकास किया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि CAAI द्वारा शहरों के विकास के लिए आयोजित सेमिनार की सराहना करते हुए निश्चित रूप से सेमिनार से महत्वपूर्ण तथ्य सामने आएंगे जिनका उपयोग सरकार विकास की योजना बनाने में करेगी। वहीं सेमिनार में भोपाल सांसद आलोक शर्मा भी मौजूद रहे। कंसल्टिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के इस कॉन्फ्रेंस में शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जा सकता है, आज की जो आधुनिक तकनीक है, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए किस तरीके से शहरों का व्यवस्थित विकास हो, इस विषय पर जो यहाँ पर सेमिनार का आयोजन हुआ है उस पे मैंने भोपाल के सांसद जी के साथ शिरकत किया और मैंने उनको शुभकामनाएं दी हैं। समय की मांग है, शहरों में तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ रही है, व्यापार बढ़ रहा है, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो गाड़ियां बढ़ रही हैं और इसलिए यदि सुनियोजित तरीके से आने वाले 30, 40, 50 वर्षों को ध्यान में रख के और जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में शहरों के विकास के लिए पर्याप्त बजट दिया जा रहा है तो सुनियोजित तरीके से यदि उसकी प्लानिंग होगी तो 50 वर्षों तक आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिलेगा। इस विषय को लेकर जो याद सेमिनार हुआ है का शुभारम्भ हुआ है, मैं आयोजनकर्ताओं को बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। देश के प्रदेश के वो शहरों के ट्रैफिक बेहतर हो, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर हो, इसको लेकर आज भोपाल की ताज होटल में CAAI के द्वारा सेमिनार का आयोजन किया है। इस आयोजन में मैं स्वयं शामिल हुआ हूं। देश भर के अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट यहाँ आए हैं। शहरों का ट्रैफिक किस प्रकार से बेहतर हो, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग उसमें कैसा हो, इसके ऊपर अलग अलग सत्र होने वाले हैं, उसमें मंथन भी होगा। मेरा मानना है कि उसमें से जो अमृत निकलेगा वो कहीं ना कहीं शहर के डेवलपमेंट में काम आएगा। मैंने सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।